गोपी नाम का एक आदमी था। गोपी के गांव में एक जादुई नदी थी। लोगों का कहना था जादुई नदी सभी लोगों की इच्छाएं पूरी करती है। यही सुनकर गोपी भी जादुई नदी की ओर निकल पड़ा। बहुत ढूंढने पर भी उसे जादुई नदी नहीं मिली। पता नहीं जादुई नदी कहाँ है, दूर दूर तक तो मुझे कोई भी नदी नहीं दिख रही। थक कर गोपी वापस अपने घर जाता है और अगले दिन गांव का एक आदमी जिसका नाम छगन था उससे बात करता है। भाई लोग कहते हैं जादुई नदी है हमारे गांव में और उस जादुई नदी से जो मांगो वो मिलता है, मगर कल जब मैं जादुई नदी ढूंढने गया तो मुझे कोई जादुई नदी नहीं मिली। अरे गोपू, तू भी क्या गांव वालों की बात में आता है, ये सब झूठ है, किसी ने अफवाह फैला दी है, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं। ओहो, तो ऐसी बात है, मैं भी पागल ही हूँ, जादुई नदी ढूंढने निकल पड़ा। अच्छा चल, अब तूने बता दिया है तो मैं वापस कभी जादुई नदी ढूंढने नहीं जाऊंगा। गोपी जादुई नदी के बारे में भूल जाता है और अपने काम में लग जाता है। जंगल में लकड़ियां काटने आता है और लकड़ी काट कर गाँव में बेचने लगता है। जहाँ बैठ कर गोपी लकड़ी बेच रहा था वहीं एक आदमी आता है। अरे सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? जी मेरा नाम गोपी है, बोलिए क्या बात है? यहाँ से थोड़ी दूर पर मेरा एक छोटा सा दुकान है, तुम्हें वहीं लकड़ियाँ पहुँचाना है, क्या तुम ये काम कर पाओगे? जी बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं जरूर लकड़ियाँ पहुँचा दूँगा। अगले दिन गोपी ढेर सारी लकड़ियाँ काटता है और उस आदमी के बताए रास्ते पर जाने लगता है। थोड़ी दूर आगे जाने पर गोपी को एक छोटा सा दुकान दिख जाता है। दुकान के आसपास बहुत भीड़ भाड़ दिखती है। अरे वाह, तुम आ गए, चलो अच्छा है, सही समय पर आए हो, आज मेरे दुकान का पहला दिन है, इसीलिए पूजा है और कई लोगों को खाने पर बुलाया है, आज लकड़ी बहुत लगने वाली है। जी आप मेरे पैसे दे दीजिए, मैं चलता हूँ। नहीं नहीं, इतनी भी क्या जल्दी है, अब आ ही गए हो तो क्यों ना खाना खाकर ही जाओ। गोपी रुक जाता है। पूजा खत्म होते और खाना खाते गोपी को बहुत देरी हो जाती है, अंधेरा भी हो चुका था। वो वहाँ से निकल जाता है और घर आने लगता है। तभी रास्ते में उसे पानी की आवाज आती है। आवाज ऐसी थी मानो आसपास कोई झरना हो। गोपी उस आवाज का पीछा करते करते एक जगह पर पहुँच जाता है। वहाँ बहुत रफ्तार में एक जगह से पानी गिर रहा था। वाह, ये तो बहुत खूबसूरत लग रहा है, आज तक कभी मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। तभी अचानक वो पानी गिरते गिरते एक नदी में बदल जाता है। ये देख गोपी हैरान रह जाता है। अरे ये तो नदी में बदल गया, चमत्कार हो गया। वो नदी गोपी को कहता है, कौन हो तुम और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो यहाँ से गुजर रहा था, पानी की आवाज आई तो मैं यहाँ तक आ गया इसे देखने। मैं जादुई नदी हूँ, मैं सभी को दिखाई नहीं देती, जब मेरा मन करता है तभी मैं आती हूँ। अच्छा तो आप ही हो जादुई नदी जिसकी बातें गांव वाले करते हैं? हाँ, बहुत सालों पहले मैं सभी को दिखाई देती थी, मगर अब मैं सभी को दिखाई नहीं देती, तुम दिल के अच्छे लगते हो इसलिए मैं तुम्हें दिखाई दे रही हूँ। गांव वाले कहते हैं आप सभी की इच्छा पूरी करते हैं, क्या आप मेरी इच्छा पूरी कर सकते हैं? हाँ जरूर, मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूँगी, बताओ क्या चाहिए? मुझे पैसों की बहुत दिक्कत हो रही है, इसीलिए मैं ढेर सारा धन चाहता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें ढेर सारा धन दूँगी, एक दिन नहीं हर रोज दूंगी, मगर ये बताओ क्या तुम उस धन से गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अगर मेरे पास धन आ जाएगा तो मैं सबकी मदद करूँगा। अच्छा ठीक है, तुम नदी के अंदर आ जाओ और जितना धन चाहिए उतना धन लेकर जाओ। गोपी नदी के अंदर जाता है और ढेर सारा धन निकाल कर एक बोरे में रख लेता है और उसे लेकर बाहर आता है। तुम जब चाहो तब जादुई नदी में आ सकते हो, मगर उसके लिए मैं तुम्हें एक मंत्र बताती हूँ। तुम यहाँ आकर जब वो मंत्र पढ़ोगे तभी मैं तुम्हारे सामने आऊँगी। अगर ये मंत्र तुमने किसी के सामने बोल दिया तो उसी वक्त तुम ये मंत्र भूल जाओगे और सामने वाले आदमी को ये मंत्र याद हो जाएगा। तुम कितना भी चाहो
मंत्र नहीं याद कर पाओगे। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। जादुई नदी से धन पाकर धोबी बहुत अमीर बन जाता है और साथ ही गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करता है। ये सब जादुई नदी की जादू से ही संभव हो पाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गोपी कुछ हफ्तों बाद वापस जादुई नदी के पास जाता है और वही मंत्र पढ़ता है जो जादुई नदी ने बताया था। मंत्र पढ़ते ही जादुई नदी गोपी के सामने आ जाती है। गोपी जादुई नदी के अंदर जाता है और धन लेकर वापस घर आ जाता है। छगन हर रोज गोपी पर नजर रखने लगता था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था गोपी इतनी जल्दी इतना अमीर कैसे हो गया। एक दिन छगन गोपी को धन लेकर आते देख लेता है। अरे, ये आखिर इतना धन लेकर आता कहाँ से है? पता तो करना ही पड़ेगा, मगर इतनी आसानी से तो ये कुछ भी नहीं बताने वाला। छगन अगले दिन गोपी के घर आता है। भाई चल, बहुत दिन हो गए, हमने साथ मिलकर कुछ खाया पिया नहीं है। अच्छा चल। छगन गोपी को अपने घर लेकर आता है और खाने में नशा मिला देता है। गोपी नशे में आ चुका था, उसके खुद का होश भी नहीं था। यही सही समय है इससे सच्चाई निकलवाने का। अरे ये सब तो जादुई नदी का कमाल है। अरे वाह भाई, मुझे भी बता जादुई नदी कहाँ है, मैं भी जाऊँगा। नहीं नहीं, तू नहीं जा सकता क्योंकि वो नदी सबके बोलने पर नहीं आती। मेरे पास एक मंत्र है और उसी मंत्र के सहारे वो जादुई नदी मेरे पास आती है। भाई मुझे भी बता वो मंत्र क्या है। गोपी वो मंत्र बोल देता है। जैसे ही वो मंत्र बोलता है छगन को वो मंत्र याद हो जाता है। अगले दिन जब गोपी को होश आया उसे कुछ भी याद नहीं था। छगन वो मंत्र पढ़कर जादुई नदी को बुलाता है और जादुई नदी से धन लेकर चला जाता है। जब गोपी जादुई नदी के पास आता है तो उसे मंत्र याद ही नहीं आता है। अरे मैं वो मंत्र भूल कैसे गया, मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा है। इसका मतलब जरूर किसी ने मुझसे वो मंत्र निकलवाया है और अब वो मंत्र को जानता है मगर मैं नहीं। गोपी बहुत रोने लगता है और वहाँ से चला जाता है। गोपी देखता है छगन हर रोज नई नई चीजें खरीद रहा। ये देख उसे छगन पर शक होता है। वो छगन का पीछा करता है तो उसे सारी सच्चाई का पता चल जाता है। अच्छा तो ये सब छगन का काम है। लगता है उस दिन खाना खिलाने के बहाने उसने ये सब किया। अब मैं उसके साथ भी ऐसा ही करूँगा। गोपी चुपके से छगन के घर में घुस जाता है और उसके बनाए खाने में नशा मिला देता है। जब छगन खाना खा लेता है तब गोपी उसके पास आता है। बता भाई, नशा मिलाकर तूने मुझसे मंत्र निकलवा लिया था ना? अरे हाँ भाई, तुझे कैसे पता चला? ये बता कौन सा मंत्र मैंने बोला था? छगन मंत्र बोल देता है और अब वो मंत्र गोपी को याद हो जाता है और छगन वो मंत्र भूल जाता है। अगले दिन गोपी वो मंत्र पढ़कर जादुई नदी को बुलाता है और जादुई नदी को सारी बातें बताता है। वही मैं सोच रही थी, तुमने उसे मंत्र कैसे बता दिया? अच्छा रुको, मैं कुछ करती हूँ। जादुई नदी गोपी को एक ऐसा मंत्र बताती है जो गोपी कभी न भूल पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गोपी छगन के पास जाकर सारी बातें बताता है। भाई माफ कर दे मुझे। नहीं छगन, अब मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मेरे आसपास भी कभी मत आना और अब तू चाहकर भी मुझसे वो मंत्र नहीं चुरा सकता। इतना कहकर गोपी वहाँ से चला जाता है और कभी वापस छगन से नहीं मिलता है। गरीबों की मदद करके खुशी खुशी रहने लगता है। एक परिवार में जेठानी और देवरानी अपनी सास और अपने पति के साथ रहती थी। जेठानी का नाम विमला था और देवरानी का नाम वर्षा। विमला देखने में बहुत ही सुंदर और गोरी चिट्टी थी। वहीं दूसरी ओर वर्षा दिखने में तो सुंदर थी लेकिन उसका रंग थोड़ा दबा हुआ था जिस वजह से उसका मनोबल हमेशा कम रहता था। विमला और वर्षा में बहुत प्रेम था लेकिन उसकी सास को वर्षा फूटी आंख नहीं भाती थी। एक दिन वर्षा रसोई में खाना बना रही थी तभी अचानक उसकी सास उसके पास आई
और कहने लगी, ए कुल्टी, आज मेरी कुछ सहेलियां घर आने वाली है, तुझे आज उनका ख्याल रखना होगा और उनके लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाने होंगे। अपनी सास की बात सुनकर विमला पीछे से रसोई की ओर आती है और कहती है, जी जी माँ, हम दोनों मिलकर सब कुछ संभाल लेंगे, आप बेफिक्र रहें, हम आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं देंगे। अरे विमला, तू क्यों काम करेगी, तू बस आराम कर और अपना ध्यान रख, ज्यादा काम करेगी तो तेरा रंग इस कोयली की तरह काला हो जाएगा। माँ ऐसा मत कहिए, मैं देखने में भले ही गोरी हूँ लेकिन वर्षा का चेहरा मुझसे काफी सुंदर दिखता है। तू चुप कर, तुझे कहा ना मैंने कि कोई काम करने की जरूरत नहीं है, जाकर आराम कर और फिर अच्छे से तैयार होकर मेरी सहेली के पास आकर बैठ जाना, काम करने के लिए है ना ये कोयली। इतना बोलकर उसकी सास रसोई से चली जाती है। अपनी सास के ताने सुन वर्षा मन ही मन रोने लगती है, चाहकर भी वो अपना दुख किसी के साथ बांट नहीं सकती थी, लेकिन विमला को अपनी देवरानी का दर्द दिखाई दे रहा था। वो वर्षा से कहती है, देख वर्षा, तू तो माँ जी को जानती है, उनका स्वभाव ऐसे ही है, वो बाहर से सख्त है लेकिन अंदर से मखमल की तरह नरम है, वो सिर्फ तीखा बोलती है लेकिन किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहती। आप इसलिए कह रही है क्योंकि मैं बुरा ना मानूं, लेकिन भाभी आप ही सोचिए, जिस हिसाब से वो हर वक्त मेरी बेइज्जती करती है, क्या वो सही है? आप नहीं जानती कि मेरे दिल कितना दुखता है, रमेश भी मुझसे उखड़े उखड़े रहते हैं, मेरी जिंदगी तो नर्क बन गई है, अगर आप साथ ना होती तो शायद मैं यहाँ रह भी नहीं पाती। विमला वर्षा को मनाते हुए कहती है, अरे मेरी प्यारी देवरानी वर्षा, तुझे दुनिया जो भी कहे, मेरे लिए तो तू सुंदर ही है। विमला और वर्षा अपने सास के कहने पर अच्छा अच्छा खाना पकाकर पूरे घर साफ कर देती है और अपने अपने कमरे में जाकर आराम करने लगती है। शाम होती है और वर्षा तैयार होने लगती है। उसका पति रमेश उसे कहता है, अच्छे से तैयार होकर जाना, थोड़ा क्रीम पाउडर भी अच्छे से लगा लेना, हल्की लिपस्टिक भी लगा लेना, मैं नहीं चाहता नीचे तुम्हारा कोई मजाक उड़ाए, वैसे भी तुम्हें कहीं लेकर जाने का मन नहीं करता, अब घर पर मेहमान आ रहे हैं तो वहाँ तो मुझे भी आना ही होगा। वर्षा अच्छे से तैयार होकर अपने होंठों पर लाल लिपस्टिक लगाती है। विमला भी तैयार होकर नीचे आती है। थोड़ी देर बाद उसकी सास की सहेलियां घर आ जाती है। अरे विमला, जरा इधर आना। विमला की सास रमा उसको अपनी सहेलियों से मिलाती है। उसकी सहेलियां विमला की बहुत तारीफ करती हैं। अरे बारमा, तेरी बहू एकदम दूध की तरह गोरी चिट्टी है और दिखने में तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है, मानना पड़ेगा पूरे मोहल्ले में तेरी बहू जितनी सुंदर कोई नहीं है। वहीं दूसरी ओर से वर्षा मेहमानों के लिए नाश्ता लेकर आ रही थी, तभी एक सहेली ने रमा से पूछा, ए रमा, तेरी बड़ी बहू दिखने में जितनी सुंदर है, तेरी छोटी बहू उतनी नहीं है। अपनी सहेली की बात सुनकर रमा की नजर वर्षा पर जाती है। वो उसे कहती है, क्यों रे, तुझे ढंग से तैयार होना भी नहीं आता, ये क्या अपने होंठों में लगा ली है, एक तो तेरा रंग काला है, ऊपर से तूने इतनी लाल लिपस्टिक लगाई है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी का खून चूस कर आई है। सास की बात सुनकर उसकी सारी सहेलियां जोर जोर से हंसने लगी। वर्षा वहां से रोकर घर से बाहर चली जाती है। चलते चलते वो एक सुनसान बिल्डिंग के पास आती है। वर्षा को वहां एक स्विमिंग पूल दिखाई देती है। स्विमिंग पूल के पास जाकर वर्षा को अपनी परछाई दिखाई देती है। वो रोते रोते कहती है, भगवान आपने मुझे इतना कुरूप क्यों बनाया, लोग मुझे तरह तरह के नामों से बुलाते हैं, कभी काली तो कभी कलूटी, जाने क्या क्या बुलाकर मेरा दिल दुखाते हैं, मुझे अब और ये जिल्लत की जिंदगी नहीं जीनी, मैं मरना चाहती हूँ। इतना बोलकर वर्षा वहाँ से निकल ही रही थी कि अचानक उसकी नजर स्विमिंग पूल के अंदर एक लिपस्टिक पर पड़ी। रुक जा बेटी, तेरा दर्द मैं जानती हूँ, मैं तेरा दर्द दूर करना चाहती हूँ,
ये लिपस्टिक तो कितनी सुंदर दिख रही है। इतनी सुंदर लिपस्टिक तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी है। क्या मैं इसे ले सकती हूँ? हाँ हाँ, आओ मेरी लिपस्टिक को उठा लो, अपने होठों से लगा लो। वर्षा तुरंत वो लिपस्टिक अपने होठों में लगा लेती है और अपने आप को स्विमिंग पूल में देखती है। वर्षा जैसे ही पानी में देखती है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि वो काफी सुंदर और गोरी दिखने लगती है। ये क्या हो गया? मैं अचानक इतनी गोरी और सुंदर कैसे दिखने लगी? वर्षा के पूछते ही स्विमिंग पूल से एक आवाज आती है, चौंको मत, तुमने जो लिपस्टिक लगाई है वो कोई आम लिपस्टिक नहीं है, बल्कि एक जादुई लिपस्टिक है। दरअसल यहाँ काफी समय से कोई नहीं आ रहा था, अचानक तुम यहाँ आई और अपने आप से बातें करने लगी। तुम्हारा दुख देखकर मेरा दिल पसीज गया, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारी मदद की जाए, इसलिए मैंने तुम्हें ये लिपस्टिक दी। आप मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? तुम एक नेक दिल की इंसान हो, तुमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, सदैव नेक काम किया, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल दे रही हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप जानते नहीं आपने मेरी कितनी बड़ी मदद की है, अब मुझे किसी के ताने सुनने नहीं पड़ेंगे। तुम ये लिपस्टिक अपने पास रख सकती हो, ये लिपस्टिक तुम्हारी हर परेशानी दूर कर देगी। वर्षा को जादुई लिपस्टिक अपने साथ अपने घर ले जाती है। वर्षा को देखकर घर के सभी लोग चौंक जाते हैं। उसकी सास उसके इस बदलते रूप के बारे में पूछती है, ए कोयली, तू अचानक इतनी सुंदर कैसे बन गई? सास के पूछने पर वर्षा उसे सब कुछ बता देती है। सच जानकर उसकी सास उसे कहती है, मुझे माफ कर दो वर्षा, मैंने तुम्हें हमेशा खरी खोटी ही सुनाया, तुम्हारी बेइज्जती की, तुम्हें ताने दिए। मुझे नहीं पता था कि मेरी बातों का तुम पर इतना असर पड़ेगा कि तुम आत्महत्या करने सोच लोगी। आप माफी मत मांगो, दरअसल हमारी समाज ही ऐसा है जहाँ लोग ऊपरी दिखावट और सुंदरता को देखते हैं। लोगों को इंसान की सीरत से ज्यादा उनकी सूरत से प्यार होता है। मैं इस सोच को बदलना चाहती हूँ। मैं ये लिपस्टिक इसलिए अपने साथ ले आई कि मैं आपको दिखा सकूं कि मैं भी सुंदर दिख सकती हूँ। लेकिन अब मैं ये लिपस्टिक स्विमिंग पूल पर ही डाल कर आऊंगी। मैं बस आपकी आँखें खोलना चाहती थी। आशा करती हूँ कि अब मुझे आपके और ताने सुनने नहीं मिलेंगे। वर्षा की सास और उसका पति बहुत शर्मिंदा थे। उन्होंने वर्षा को खुले दिल से अपना लिया। यह देख विमला बहुत खुश हो जाती है। वर्षा वो लिपस्टिक वापस स्विमिंग पूल में डाल देती है और कहती है, मुझे माफ करिए, आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया मैं उसकी बहुत आभारी हूँ, लेकिन मैं ये लिपस्टिक अपने पास नहीं रखना चाहती। आज आपकी वजह से मेरा मनोबल बढ़ा, अब मैं अपने आप को किसी से भी कम नहीं समझूंगी और खुद को अपनी असली रूप में स्वीकार करती हूँ। इतना कहकर वर्षा अपने होंठ से वो लिपस्टिक मिटा देती है। लिपस्टिक मिटाते ही वो वापस अपने रूप में आ जाती है। मैं तुम्हारे निर्णय का आदर करती हूँ, तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती तो शायद वो इस लिपस्टिक का भरपूर फायदा उठाती। तुम दूसरों से काफी अलग हो, भगवान तुम्हें हमेशा सुखी रखे। भगवान की कृपा से वर्षा की अच्छी सीरत का असर उसकी सूरत पर भी सदा के लिए आ जाता है। वर्षा घर चली जाती है। उस दिन से उसकी सास और उसका परिवार उसके साथ बड़े ही प्रेम और आदर से रहने लगते हैं। ख्याति एक अनाथ बच्ची थी। छोटी सी उम्र में ही उसकी माँ ने उसे एक अनाथ आश्रम के पास छोड़ दिया था और खुद आत्महत्या करके इस दुनिया से विदा हो गई। दरअसल ख्याति एक बिन ब्याही माँ के कोख से जन्मी बच्ची थी। समाज के डर के मारे उसने ये कदम उठाया था। ख्याति की मौसी लता को जैसे ही पता चला कि वो एक अनाथ आश्रम में है, वो उसे वहाँ से निकालकर अपने साथ अपने घर ले आई। लता के हाथों में बच्चा दे लता का पति सुधीर आश्चर्य में पड़ गया। ये बच्ची किसकी है? तुम कहाँ चली गई थी? सुबह से मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। ये बच्ची मुझे रास्ते में पड़ी हुई मिली,
उसे रोता देख मुझसे रहा न गया और मैं उसे अपने साथ ले आई। लता अपने पति से झूठ कहती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी मरी हुई बहन का नाम बदनाम हो। अच्छा हुआ तुम इसे अपने साथ ले आई, बेचारी बच्ची कितनी मासूम है, ना जाने कैसी निर्दयी माँ है जिसने ऐसी फूल सी बच्ची को सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया। सुधीर और लता ख्याति को अपनी बेटी की तरह पालने लगे। कुछ ही समय में ख्याति उनकी लाडली बन गई। एक दिन लता श्रृंगार कर रही थी तभी नन्ही ख्याति ने अपने लड़खड़ाते कदम से अपनी माँ के पास आई और वहाँ रखा हुआ नेल पॉलिश लेने लगी। उसकी ऐसी मासूम हरकत देख लता मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। अले मेरी नन्ही परी को क्या चाहिए, आपको ये नेल पॉलिश लगानी है? हाँ माँ मुझे नेल पॉलिश लगा दो। लता अपनी छोटी सी गुड़िया को नेल पॉलिश लगाती है। अपनी माँ को देखकर ख्याति को भी मेकअप और नेल पॉलिश से लगाव हो गया था। वो आए दिन अपनी माँ से नेल पॉलिश लगवाने लगी। कई साल बीत गए और देखते ही देखते वो बड़ी हो गई। एक दिन सुधीर और लता आंगन में बैठे हुए थे तभी उनकी एक पड़ोसन उनके घर आती है। नमस्ते भाभी जी, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बताइए कैसे आना हुआ? अरे भाभी जी, आपकी बेटी के लिए मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया रिश्ता आया है। आप कहो तो बात आगे बढ़ाओ। लड़का बहुत ही बड़ा खानदान से है, आपकी बेटी राज करेगी, राज। लता और सुधीर रिश्ते की खबर सुनकर खुश हो जाते हैं। तभी सुधीर पड़ोसन से कहता है, अरे भाभी अगर आप लड़के और उसके परिवार को जानते हैं तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकता है। हमें शादी से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन पहले मैं अपनी बेटी ख्याति से इस बारे में बात कर लूं। उसे कोई आपत्ति तो नहीं है तो हम उसकी शादी करवा देंगे। सुधीर और लता अपनी बिटिया ख्याति को रिश्ते की बात बताते हैं। ख्याति अपनी माता पिता की हर बात मानती थी। आप लोग तो जानते ही हो कि मैं आपकी कोई भी बात को नहीं टालूंगी। वैसे भी आज तक आप लोगों ने मेरे लिए जो कुछ भी निर्णय लिया है वो हमेशा सही ही रहा है। तो शादी जैसे महत्वपूर्ण निर्णय आपने कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा, इसलिए मुझे ये रिश्ता मंजूर है। हमें तुमसे यही आशा थी। अब जब तुम हाँ कह ही दिया है, हम बिना किसी देरी के लड़के और उसके परिवार से मिलकर तुम्हारी शादी तय कर देते हैं। आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है पिताजी, जैसा आप ठीक समझे। सुधीर और लता लड़के वालों से मिलने उनके घर जाते हैं। वहाँ जाकर उन्हें लड़का और उनका परिवार दोनों ही बहुत पसंद आता है। वे तुरंत मुहूर्त निकाल कर उनकी शादी पक्की कर देते हैं। कुछ दिनों बाद ख्याति की शादी हो जाती है। वो विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है। शुरू शुरू में ख्याति अपने ससुराल में काफी खुश थी, लेकिन धीरे धीरे उसे अपने पति रोहन की असलियत पता चलने लगी। रोहन को जुआ खेलने का बहुत शौक था और वो रोज रात दारू पीकर घर आता और ख्याति को मारता था। एक दिन अपने जुए की लात के कारण रोहन अपना सब कुछ हार जाता है। रोहन की माँ को इस बारे में जानकारी मिलती है। मुझे तुझे अपनी माँ कहते हुए शर्म आ रही है। हजार बार समझाया था तुझे कि ये सब बुरे काम छोड़ दे, ये सब चीजें तुझे सिर्फ ले डूबेगी, लेकिन तूने मेरी एक ना सुनी। रोज रात आकर मेरी बहू को मारता पीटता है। तू निकल जा यहाँ से, तूने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। तेरी वजह से हमारे सर से छत भी चली गई। अब क्या हमें मार कर ही दम लेगा? मुझे माफ कर दो माँ, मैं नशे में था। मेरे दोस्त ने चालाकी से मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। आज मेरी लत के कारण मैंने अपना सब कुछ गवा दिया। अब मैं आप लोगों को गवाना नहीं चाहता। मत रोइए, आपने जो कुछ भी किया वो सब नशे में किया। अब से आप कसम खाइए कि आप ये सब बुरी आदतें छोड़ देंगे और अपने काम में ध्यान लगाएंगे। आज हमारे सब कुछ छीन गया है, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। हम फिर से सब कुछ हासिल कर लेंगे। जैसे तैसे रोहन रहने के लिए एक लकड़ी की झोपड़ी बनाता है। रहने को छत तो मिल गई, लेकिन घर में अन्न का एक दाना भी न था।
ख्याति ने अपनी इस हालत के बारे में अपने माता पिता से कुछ भी नहीं बताया। रोहन काम की तलाश में दर बदर भटकने लगा। वो तलाश करते करते थका हारा इकोई के पास बैठ अपने आप को कोसने लगा। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? कहां मैं एक आलीशान घर में रहता था और कहां आज एक झोपड़ी में रह रहा हूँ। आज मेरी वजह से मेरी माँ और पत्नी को भी कष्ट उठाना पड़ रहा है। हम अपना पेट काट काट कर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मेरे जैसा नालायक पति और बेटा भगवान किसी को ना दे। रोहन बहुत पछता रहा था। उसको रोता हुआ देखकर अचानक एक आवाज आती है। क्या हुआ बेटा, तुम इतना क्यों रो रहे हो? रोहन वहाँ देखने लगा। अरे यहाँ वहाँ क्या देख रहे हो? मैं तुम्हारे पीछे से बोल रहा हूँ। कौन है आप? आप मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, जरा मेरे सामने तो आइए। अरे तुम जिसके पास में बैठे हो, मैं वहाँ से बोल रहा हूँ। रोहन पीछे देखता है तो उसे कुआं दिखाई देता है। यहाँ तो कोई नहीं है सिवाय एक कुएं के, और ये आवाज तो कुएं से ही आ रही है। सही पकड़े, मैं कुआं ही बोल रहा हूँ। मैं एक जादुई नेल पॉलिश कुआं हूँ। मैंने तुम्हें रोता हुआ देखा तो सोचा कि तुमसे इसका कारण पूछ लो। रोहन जादुई नेल पॉलिश कुएं को सब कुछ बता देता है। सारी बात सुनकर पहले तो जादुई नेल पॉलिश कुएं को बहुत गुस्सा आया, फिर उसने रोहन का पछतावा देख उसकी मदद करने की सोचने लगा। तुमने अब तक बड़ी गलतियाँ की है, लेकिन तुम्हारी धर्मपत्नी का पुण्य तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे आगे खड़ा है, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मेरी कुछ शर्त है, मेरी मदद से तुम्हें जो भी लाभ होगा उसे तुम गरीबों में भी बांटोगे और उनकी मदद करोगे। तुम सही राह पर चलोगे तो हमेशा सफल रहोगे। हाँ, मैं आपकी सारी बात मानूंगा और गरीबों की मदद करूंगा। तो ठीक है, मुझ में से तुम एक नेल पॉलिश निकाल लो और उसे अपनी नेक धर्मपत्नी के उंगलियों में लगा दो, फिर देखना चमत्कार। रोहन खुश होकर अपनी पत्नी के पास जाता है और उसे सारी बातें बता देता है। ख्याति रोहन के कहने पर वो नेल पॉलिश अपने हाथ में लगा लेती है। आपके कहने पर मैंने नेल पॉलिश तो लगा लिया, लेकिन इससे कुछ फायदा तो नहीं हुआ? कहीं आप दोबारा पी कर तो नहीं आए हो? अरे नहीं बाबा, मैंने कोई नशा नहीं किया है। मैंने तुम्हें जो कुछ भी बताया है वो सब सच है। अगर ये सब कुछ सच होता तो हमें कोई चमत्कार जरूर दिखाई देता। ये आपका कोई वहम होगा, आप वो सब बातें भूल जाइए और घर के बारे में सोचिए। ख्याति इतना कहकर घर के बाहर जाती है और साफ सफाई करने लगती है। वो जैसे ही झाड़ू लेती है अचानक से देखती है कि घर अपने आप साफ हो जाता है। उससे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब कुछ कैसे हो गया। फिर वो बर्तन धोने जाती है। बर्तन छूते ही सारे बर्तन साफ हो जाते हैं। ख्याति अपने सास और पति को बुलाती है। क्या हुआ, क्यों बुला रही हो? अरे आपकी बात तो सच हो गई। सच में एक जादुई कुएं की नेल पॉलिश है। मैंने अभी जैसे ही झाड़ू को हाथ लगाया तो पूरा घर अपने आप ही साफ हो गया। अरे वाह, ये तो सच में चमत्कार हो गया। ख्याति अपने झोपड़ी को छू लेती है। झोपड़ी छूते ही वो एक आलीशान महल में बदल जाता है। ख्याति और उसका परिवार ये चमत्कार देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। धीरे धीरे उस जादुई कुएं की नेल पॉलिश की वजह से व्यापार में बहुत तरक्की होती है और वे लोग अमीर बन जाते हैं। रोहन गरीबों की मदद करने लगता है, वो बड़ा अमीर बन जाता है। कुछ दिनों के बाद दौलत से अंधा होकर रोहन गरीबों को भूल जाता है। उनकी धर्म पत्नी उसे समझाती है लेकिन वो उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। अचानक उसके व्यापार में घाटा होने लगता है, उसके पास रुपए पैसों की कमी हो जाती है, कर्ज बढ़ जाता है। चाहती अब क्या करूं? सारा व्यापार चौपट हो रहा है। मैंने तो आपको समझाया था लेकिन आप नहीं माने, आप अपने वादे भूल गए और उसका यही अंजाम हो रहा है। आप नेल पॉलिश की जादुई कुएं के पास जाइए। रोहन जादुई कुएं से मिलने के लिए चला जाता है।
उसे रास्ते में जो भी गरीब भिखारी मिलते हैं वो उन्हें रुपए पैसे देता हुआ चला जाता है। कुछ देर के बाद वो जादुई कुएं के पास पहुंच जाता है। रोहन, तुम अपना वादा भूल गए थे। तुम्हारी नेक धर्म पत्नी के कहने पर तुमने पुनः सही राह पकड़ ली है। अब उसे मत छोड़ना। ये लो, मैं तुम्हें फिर से एक नेल पॉलिश दे रहा हूँ। ये भी तुम्हारी धर्म पत्नी के लिए ही है। रोहन हाथ जोड़कर जादुई कुएं को धन्यवाद कहकर घर की तरफ चल पड़ता है। रोहन अच्छे कर्म करके और अपना वादा पूरा करते हुए एक बहुत ही कामयाब आदमी बनता है। वे गरीब और जरूरतमंदों की मदद करने लगते हैं। ऐसा लगता है रोहन और उसका परिवार एक अच्छी और सुखद जिंदगी व्यतीत करने लगता है।